बुकलेट थ्री में जो पेंडिंग टॉपिक है उसमें पहला टॉपिक है शेयर मॉडल्स या मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी। हमने यंग्स के न्यूमेरिकल किए, हमने बल्क के किए, शेयर नहीं किया था। शेयर में क्या आता है कि आपने एक फिक्स्ड फेस कर दिया नीचे का फ्रेम है और आपने इसको टेंजेंशियल फोर्स दे दी एफ। टेंजेंशियल फोर्स का ये एरिया क्या है, ए एरिया पे दी तो फ्रेम टेढ़ा हो गया। कितना टेढ़ा हो गया, बाय एंगल ऑफ थीटा। इस थीटा को क्या बोलते हैं, शेयर स्ट्रेन बोलते हैं थीटा। तो डेल्टा एल चला गया, ये एल है, ये डेल्टा एल है, ये थीटा है। अब इसके अंदर क्या होगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स टेंजेंशियल है और एरिया भी छत का लेंगे, टेंजेंशियल एरिया, फोर्स बाय एरिया। और स्ट्रेन इसमें क्या होगा, थीटा। जो स्ट्रेन होगा इसमें वो थीटा होगा। अब एक चीज ध्यान से देखें, इस राइट एंगल ट्राइंगल को बना रहा हूं मैं, यहां पे टेन ऑफ थीटा की वैल्यू इसमें क्या आएगी, डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा एल बाय एल। अब क्योंकि ये एंगल बहुत छोटे होते हैं और मैथ्स में अगर एंगल छोटे हैं तो टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो थीटा अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा, डेल्टा एल बाय एल। तो आप यहां पर थीटा की जगह पुट कर सकते हैं, क्योंकि ईटा जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। थीटा की जगह पुट करेंगे डेल्टा एल बाय एल, तो ये फॉर्मूला आएगा। तो कैसे शेयर मॉडल्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, समझ में आया यहां तक? मैं आपको लाइव प्रॉब्लम करके दिखाता हूं न्यूमेरिकल आता कैसे है। न्यूमेरिकल है कि आपके पास एक स्क्वायर स्लैब है जिसकी साइड आपको पता है 50 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया क्या आएगा, 50 × 50 आ जाएगा, एरिया आ गया आपके पास। और थिकनेस आपको गिवन है, कह रहे हैं शेयर फोर्स। शेयर फोर्स का मतलब टेंजेंशियल फोर्स लग रही है, टेंजेंशियल फोर्स लग रही है जिसका मैग्नीट्यूड गिवन है। अब लोअर एज रिवेटेड, बांध रखा है लोअर एज, मूव नहीं करेगा। तो आपको यह बताना है कि अपर एज कितना डिस्प्लेस हुआ, यानी कि क्या निकालना है, डेल्टा थीटा, डेल्टा एल निकालना है। अगर शेयर मॉडुलस ईटा गिवन है, इसमें एफ पता है, लेंथ पता है, ईटा पता है, एल पता है, तो एरिया भी आ गया एल स्क्वायर। ईटा का फॉर्मूला क्या किया, फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल। तो यहां से क्या निकालना है, डेल्टा एल एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, फोर्स अप्लाइड पता है, लेंथ पता है, एरिया पता है और ईटा भी पता है, आंसर। तो शेयर मॉडुलस की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी जो हमने नहीं की थी, तो मेरे ख्याल से क्लियर है।